के लिए एक बहुत बड़ी खबर क्रिकेट के हवाले से। वैसे भी आजकल पाकिस्तान के लिए बुरी खबरें आ रही हैं, लेकिन ये आईसीसी और चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से है कि आईसीसी के न्यू चेयरमैन जो हैं जेशा बन गया है और बिला मुकाबला वो चेयरमैन बन गया। वो अपना अहदे की जो जिम्मेदारियाँ हैं 1 दिसंबर से संभालेंगे, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो चैंपियन ट्रॉफी होनी है उसमें उनका अहम किरदार आ गया। उन्होंने एशिया कप में भी हाइबर मॉडल में ले गए थे, पाकिस्तान में नहीं होने दिया था। तो अब बहुत सारे लोगों ये पहले ही चैटर चल रहा था कि अगर जेशा आ गए तो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होना मुश्किल हो जाएगी। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के साथ, जो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस विराट कोहली और बाबर आजम को एक साथ खेलना लाहौर में देखना चाहते हैं। मेरे ख्याल में अगर जेशा जिम्मेदारी का मुजाहरा करें तो वो उन्हें चाहिए कि वो अपनी गवर्नमेंट को भी कन्विंस करें। इस पर इस वक्त वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं, इंडिया के भी हैं, तो उन्हें मेचोरिटी और अहम किरदार अदा करना चाहिए। मेरे ख्याल में इंडिया बहुत खुश हो रहा होगा क्योंकि पाकिस्तान तो शुरू से स्टांस ले रहे हैं कि चैम्पियन ट्रॉफी हमारा हाल में पाकिस्तान में कराएंगे, लेकिन इंडिया नहीं किसी सूरत चाहता कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो। और इसके लिए आए दिन जिसके दिन रोड़े अटका रहा है और आईसीसी की भी तरफ से कोई क्लियर स्टांस नहीं आ रहा था ये कि क्या मैचेस पाकिस्तान में होंगे नहीं होंगे। मेरे ख्याल में यही वेट था कि जेशा साहब चेयरमैन बन जाएंगे और वो फैसला करें, और वो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी होगी। पर हर बुरी खबर ये आ रही है, अगर पाकिस्तान में ना होगी तो पाकिस्तान फैन के बहुत बड़ी